गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपकी प्यारी ईशा लेकर आ गई है आज टमी को फ्लैट करने वाली कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस। चाहे आपकी डिलीवरी के बाद का बढ़ा हुआ फैट है या आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से है, किसी भी रीजन से आपके लोअर टमी अपर टमी का फैट कम नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए। एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, इस वीडियो को फॉलो आपको कम से कम 3 से 4 महीने करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने 15 दिन किया डिफरेंस दिखेगा। डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखेगा, विद इन अ वीक आपको आपके इंचेस में डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, जब हम उस एक्सरसाइज को करना छोड़ देते हैं और अनहेल्दी डाइट को इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है हमारी लाइफ में। तो आपने दोनों का तालमेल बिठाना है, अनहेल्दी डाइट को कट ऑफ करना है और हंसते मुस्कुराते रहना है। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है पेट निकालने का, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों बाजुओं को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, ठीक है? अब हम जंप करेंगे, अपने अपने पंजों पर आ जाना है और अपने पैरों को वाइड करना है, देन क्लोज करना है। कैसे, देखिए। जब आप इस तरीके से अपने पैरों को ओपन करते हैं तो जो आपका टमी है, ठीक है, लोअर टमी अपर टमी, बहुत अच्छे से ना वहां की मसल एकदम स्ट्रेच होती है, खिंचती है, तो जो खिंचाव आपको आपके पेट में फील होगा ना, वो इतना अल्टीमेट रिजल्ट लेकर आएगा। अब जान लेते हैं इसको करना कितनी बार है। देखिए, पोजीशन के साथ साथ हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि जितनी बार आपको बताया जा रहा है रिपीटेशन मस्ट है, ठीक है? आपने 20 टाइम्स इसको करना है, 10 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, आपने जो इसके सेट्स करने हैं वो करने हैं 4, यानी 80 टाइम्स इसको रिपीट करना है। आपको इस तरीके से लेट जाना है, देन अब आपने क्या करना है, आपने अपने फीट को इस तरीके से अपसाइड रखना है, अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाना है, क्लैप। आप देख रहे हो मैंने अपनी बॉडी को पूरा आगे किया, देख रहे हो ऐसे। जब हम इस तरीके से करते हैं तो इससे अपर आपके जो एब्स हैं, यानी जो आपके ब्रेस्ट से नीचे का फैट है, यहाँ पे जो फैट स्टोर हो जाता है वो अलग हो जाएगा, धीरे धीरे वहां का मसल बहुत अच्छे से टोन होगा, ठीक है? जब ऊपर आ रहे हैं ब्रीथ आउट, जब नीचे जा रहे हैं ब्रीथ इन। टमी को आपने अपनी तरफ से स्क्वीज करके रखना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं 20 टाइम्स 4 सेट, यानी 80 बार आपको इसको रिपीट करना है। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से पीठ के बल मैट पे लेट जाना है, अपने हैंड्स को अपने हेड के यहाँ पे प्लेस करना है और हमने अब क्या करना है, ऑपोजिट एल्बो से नी को टच करना है। कैसे, लाइक दिस। 20 टाइम्स हमने इसको परफॉर्म करना है और इसके करेंगे हम 4 सेट्स। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, हम माउंटेन क्लाइंबर करेंगे। माउंटेन क्लाइंबर में अपने अपने हिप को अपसाइड नहीं रखना है, डाउन करते हुए आपने क्रॉस में जाना है। इसका रिजल्ट जब हम डाउन में करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपके पेट पर, लोअर अपर टमी में बहुत ज्यादा आता है। लेकिन यही जब आप अपनी बॉडी को अपसाइड कर लेते हैं ना, तो उतना ज्यादा भी आप वर्कआउट कर लो लेकिन फिर भी आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पोजीशन मस्ट है, 20 टाइम्स 4 सेट्स, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी कुछ नया देखने के लिए ना क्या करना है, आपने मुझे अपना बहुत सारा प्यार देना है, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है @ईशा मेहरा। ऐसी अपना प्यार वहां पे भी दीजिए और यहाँ पे भी दीजिए लाइक करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।